ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। इस वक्त की आ रही बहुत बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें, भारत चुनाव प्रणाली में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काफी अहम है। इसको लेकर समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका ने ईवीएम से डाले गए मतों का 100% मिलान वोटर वेरिफिएबल पेपर अडिंग ट्रेल वीवीपैट से कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए शुक्रवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत के दो जजों की पीठ ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रत्याशियों के खर्चे पर वोटों का वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने की स्थिति में प्रत्याशियों का पैसा लौटाना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपाकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पीठ ने सिब्बल लोडिंग यूनिट SLU को 45 दिन तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आंख मूंद कर एक बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी प्रणाली पर संदेह करना संशय पैदा कर सकता है। इसकी सार्थक आलोचना की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायपालिका और विधायिका समेत लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने वोट वेरिफिकेशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्चा उसी से वसूला जाए, लेकिन यदि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ पाया जाता है तो संबंधित प्रत्याशी का पैसा वापस होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शंबल लोडिंग यूनिट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे सील कर दिया जाए। SLU को वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जाँच कराने का विकल्प होगा। इसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार ऐसा कर सकेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा है कि कागज की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव पर ध्यान दें और यह भी देखें कि क्या चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए बार कोड भी हो सकता है।